हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 5th of January। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NTPS दैट हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव। आपसे पूछा जा रहा है NTPS का फुल फॉर्म क्या है, जिसे हाल ही में वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं नेशनल ट्रांसपोर्ट प्रोविजन सिस्टम, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, नेशनल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिस्टम या फिर नेशनल टिम्बर पैसेज सिस्टम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। NTPS का फुल फॉर्म होता है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। आप यहाँ देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट श्री भूपेंद्र यादव, इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, जो कि पैन इंडिया प्रोग्राम है टू फैसिलिटेट द सीमलेस ट्रांजिट ऑफ टिम्बर, बैम्बू एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अक्रॉस कंट्री। So currently, the transit permits are issued for transport of timber and forest produce based on the state-specific transit rules. तो आप ध्यान रखेंगे NTPS का फुल फॉर्म होता है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which Indian state is preparing to launch India's first Himalayan air safari? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा भारतीय राज्य भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी लॉन्च करने की तैयारी में है। आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसा करने वाला राज्य होगा उत्तराखंड। आप यहाँ देख सकते हैं On December 16, 2023, the country's first Himalayan air safari was launched from Uttarakhand. And Uttarakhand has become the first state in the country to start gyrocopter adventure. So this is a unique initiative to promote adventure tourism in the state. And the tourism department has received DGCA approval for air safari through gyrocopter. तो आप ध्यान रखेंगे पहला हिमालयन एयर सफारी लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो है उत्तराखंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्लीपर वर्जन ऑफ हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन्स? आपसे पूछा जा रहा है हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण का नाम क्या है। आपके ऑप्शन है एक्सप्रेस भारत, भारत दिव्य, वंदे भारत एक्सप्रेस या फिर अमृत भारत एक्सप्रेस। आपसे हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों का जो स्लीपर संस्करण है उसका नाम पूछा जा रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये है अमृत भारत एक्सप्रेस। आप यहाँ देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट इवेंट ऑन सैटरडे बाय फ्लैगिंग ऑफ 2 अमृत भारत एंड 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम द रीडेवलप्ड अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। So this momentous occasion took place amid the festive atmosphere in Ayodhya with the upcoming consecration of the Grand Ram Temple on January 22nd, 2024. बढ़ते हैं next question की ओर। In which state will mission investigation at the rate 75 days will be launched from January 1st, 2024? आपसे पूछा जा रहा है 1 जनवरी 2024 से किस राज्य में मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज को लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार या फिर वेस्ट बंगाल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको लॉन्च करने वाला राज्य है बिहार। आप यहाँ देख सकते हैं बिहार पुलिस विल लॉन्च मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज फ्रॉम January 1st, 2024 एंड दिस इनिशिएटिव मेक्स इट मैंडेटरी फॉर इन्वेस्टिगेटर्स टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस विद इन 75 डेज फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे FIR कहते हैं।
सो परफॉर्मेंस रिव्यूज एट ऑल द पुलिस स्टेशन एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस क्वार्टर्स विल ऑल्सो कमेंस फ्रॉम January 1, 2024 ऑन अ मंथली बेसिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where will the joint military exercise Desert Cyclone 2024 between India and UAE be held? आपसे पूछा जा रहा है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है Desert Cyclone 2024, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, अबू धाबी, दुबई या फिर गुजरात। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आयोजन किया जाएगा राजस्थान में। सो आप यहाँ देख सकते हैं द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है डिजर्ट साइक्लोन 2024, इसका आयोजन इंडिया और यूएई के मध्य किया जाएगा राजस्थान में 2 जनवरी से 15 जनवरी के मध्य। सो द जॉइंट ड्रिल एम्स टू इन्हांस इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द टू अलाइड मिलिट्री पावर्स एंड द कंट्रीज विल कंसनट्रेट ऑन लर्निंग एंड शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिस इन अर्बन ऑपरेशन ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज। द फर्स्ट एवर इंडिया यूएई ज्वाइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज जिसका आयोजन किया गया था अल दाफरा बेस अबू धाबी में, उसका आयोजन हुआ था 2008 में। और अभी हाल ही में जो मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित हुई है इंडिया और यूएई की सेनाओं के मध्य, उसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In December 2023, the United Nations declared the year 2024 as the international year of which of these? आपसे पूछा जा रहा है December 2023 में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? आपके ऑप्शन हैं इंडिजिनस लैंग्वेजेस, कैमेलिट्स, ग्लास या फिर मिलिट्स। आपको बताना है कि 2024 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है ईयर ऑफ कैमेलिड्स। आप यहाँ देख सकते हैं द यूनाइटेड नेशंस हैज़ डिक्लेयर्ड द ईयर 2024 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ कैमेलिड्स इन प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, एश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज। सो द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज द लीड एजेंसी फॉर सेलिब्रेटिंग दिस इवेंट जिसको कहते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स इन कोलेबोरेशन विद द अदर रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिस्टम। तो अब ध्यान रखेंगे ईयर ऑफ 2024 को यूनाइटेड नेशंस ने घोषित किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स। इससे पहले आप सबको पता ही होगा यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को ईयर ऑफ मिलिट्स घोषित किया था। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।